कैसे हो आपसे भाई हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की शुरू में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म होने से बचा सकते हो, कैसे आप इंटरनेट डेटा सेव कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था, पूछा था कि हमारा जो इंटरनेट डेटा है वो जल्दी खत्म हो जाता है, हम अपने फोन में पूरा दिन इंटरनेट यूज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के शुरू में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूँ जिनको आप अपने फोन में यूज करके आप अपने इंटरनेट डेटा को सेव कर सकते हो, लॉन्ग टाइम तक आप अपने फोन में इंटरनेट को यूज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि हम बिल्कुल भी इंटरनेट यूज नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी हमारा 300-400 MB डेटा ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, चाहे आप किसी भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हो। दोस्तों अब आप बहुत ही आसानी से अपने इंटरनेट डेटा को सेव कर सकते हो, पूरा दिन आप अपने फोन में इंटरनेट को यूज कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे फोन में इंटरनेट से रिलेटेड काफी सारे सेटिंग्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, और दोस्तों हम अपने फोन में उस सेटिंग को टर्न ऑन ऑफ नहीं करते हैं जिससे हमारा इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, हम अपने फोन में पूरा दिन इंटरनेट यूज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अब आपको सबसे पहले ऑटो अपडेट ऐप को बंद करना है, क्योंकि हमारे फोन में काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं जो ऑटोमेटिक डेली अपडेट होते हैं जिससे इंटरनेट काफी तेजी से खत्म होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। ठीक है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद ठीक है आपको प्रोफाइल पर टैप करना है। प्रोफाइल पर टैप करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स पर टैप करना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पर नेटवर्क प्रेफरेंस, आपको इस पर टैप करना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट ऐप्स, आपको इस पर टैप करना है। आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स। ठीक है, आपको इस पर टिक करके हमेशा रखना है। ठीक है दोस्तों, जब आप ये सेटिंग कर लोगे ऑटोमेटिक आपका कोई भी एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा। ठीक है, जब आप चाहोगे तभी एप्लीकेशन अपडेट होगा, इससे आपका इंटरनेट डेटा सेव होगा। ठीक है, इसके बाद आपको YouTube में सेटिंग करना है। दोस्तों YouTube में एक नया सेटिंग आया है, एक नया फीचर आया है जिससे आप अपना इंटरनेट डेटा सेव कर सकते हो। ओके, आपको YouTube को ओपन करना है, क्योंकि दोस्तों YouTube हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, YouTube को ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल पर टैप करना है। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा सेविंग, आपको इस पर टैप करना है। आपको यहां से डेटा सेविंग मोड को ऑन कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक नया फीचर मिलेगा। ठीक है, आपको यहां पर डेटा डाल देना है। ठीक है, जितना डेटा आप सेट करोगे यानी जितना MB डेटा आप यहां पर डालोगे दोस्तों उतना डेटा सिर्फ YouTube यूज कर पाएगा। ठीक है, आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, सेलेक्ट क्वालिटी फॉर एवरी वीडियो, आपको इसको ऑन करना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल डेटा यूजर्स रिमाइंडर, ठीक है, आपको इसको ऑन करना है। और दोस्तों आपको यहां पर MB डाल देना है। ठीक है, कि कितना MB डेटा आप YouTube पर खर्च करना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में बच्चे होते हैं। ठीक है, वो YouTube पर वीडियोस देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, जिससे हमारा इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप यहां पर MB डाल सकते हो, जो भी आप डेटा डालोगे, जैसे हम डाल देते हैं 500 MB। ठीक है, 500 MB डालने के बाद ओके पर टैप कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही 500 MB डेटा यूट्यूब पर खर्च होगा, ठीक है, इसके बाद यूट्यूब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इस तरह गाइस आप बहुत ही आसानी से डेटा रिमाइंडर सेट कर सकते हो YouTube में, इससे ज़्यादा डेटा YouTube यूज नहीं करेगा। ठीक है, एक टाइप से आप YouTube पर लिमिट लगा रहे हो, उतना डेटा खत्म होगा YouTube ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इससे भी आपका इंटरनेट डेटा बचेगा। ठीक है, जो भी डेटा आप सेट करोगे उससे ज़्यादा खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप लोग अपने फोन में सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करते होंगे। ठीक है, जैसे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया। दोस्तों इन सभी एप्लीकेशन में एक फीचर होता है डेटा सेवर का। ठीक है, मैसेंजर हो गया, फेसबुक हो गया, आपको इन सभी एप्लीकेशन में डेटा सेवर का ऑप्शन मिलेगा। आपको सभी एप्लीकेशन में जाना है, डेटा सेवर को ऑन करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 50% कम डेटा यूज होगा इन एप्लीकेशन में। ठीक है, आपको ये काम करना है। इसके बाद आपको सेटिंग्स को ओपन करना है, आपको अपने फोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, आपको यहां पर
दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा, आपको इस पर टैप करना है। इसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा यूजर्स, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल डेटा लिमिट, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। आप यहां पर डेटा लिमिट सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें एक दिन में 2 GB डेटा मिलता है, ओके, हम यहां पर डेली मोबाइल डेटा लिमिट पर क्लिक करते हैं और दोस्तों यहां से हम डेटा लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे मुझे 2 GB पर डे मिलता है तो यहां पर मैंने क्या किया है कि 1 GB पर डेटा लिमिट सेट कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमारा 1 GB डेटा खत्म होगा दोस्तों मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा और ऑटोमेटिक मोबाइल डेटा बंद हो जाएगा और दोस्तों मुझे बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि मेरा 1 GB डेटा खत्म हो चुका है, सिर्फ 1 GB डेटा बचा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फीचर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप इसको ऑन कर दोगे, जैसे ही आपका 50% डेटा खत्म होगा आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना डेटा खत्म है और ऑटोमेटिक इंटरनेट बंद हो जाएगा, मोबाइल डेटा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आप डेटा लिमिट यहां पर अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, 10 MB, 50 MB, 100 MB, 500 MB, 5 GB, 10 GB, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको एक और काम करना है, आपको नोटिफिकेशन ड्रॉयर में यहाँ पर आपको सेट करना है कि आपने एक दिन में कितना डेटा यूज किया है शो होता रहेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो हमने नोटिफिकेशन ड्रॉयर ओपन किया है, कंट्रोल सेंटर ओपन किया है, यूज टुडे, ठीक है, 461 MB हमने डेटा यूज किया है, रिमेनिंग में 563 MB डेटा बचा है, ठीक है। ये वो डेटा बता रहा है जो हमने लिमिट सेट किया, ठीक है। जैसे 1 GB पर लिमिट सेट किया, 1 GB का यानी 1 GB में कितना खत्म हुआ, कितना बचा है वो बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही 1 GB पूरा खत्म होगा दूसरा 1 GB यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप इस चीज को भी चेक कर सकते हो, आपको सिर्फ कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है और दोस्तों आपको यहां पर पता चल जाएगा कि आपने पूरे दिन में कितना GB यूज किया है, कितना MB यूज किया है, कितना रिमेनिंग में बचा है, ठीक है। इसको कैसे ऑन करना है मैं आपको बताता हूं। आपको सेटिंग में एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। आपको यहां पर फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले डेटा यूजेस इन नोटिफिकेशन ड्रॉयर, ठीक है। आपको यहां से पहले वाले सेटिंग को ऑन कर देना है, ठीक है। इस सेटिंग को मैंने ऑन कर रखा है इसलिए मेरे नोटिफिकेशन ड्रॉयर में लिमिट शो हो रहा है, ठीक है, यूजेस शो हो रहा है कि कितना डेटा हमने यूज किया, कितना रिमेनिंग में बचा है। आपको ये पहला वाला सेटिंग ऑन कर देना है, ठीक है। दोस्तों आपके भी कंट्रोल सेंटर में नोटिफिकेशन ड्रॉयर में शो होने लगेगा, ओके। अब आपको लास्ट काम क्या करना है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप अपने फोन में जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हो, ठीक है, आप चेक करो कि कौन सा एप्लीकेशन आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते हो, ठीक है। आखिर कौन से ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनको इंटरनेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिंपली उन एप्लीकेशन का इंटरनेट डेटा बंद करना है, ठीक है। आपको बंद कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि हम टेलीग्राम को बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो सिंपली आपको टेलीग्राम पर लॉन्ग टैप करना है। इसके बाद आपको ऐप इन्फो पर टैप करना है, ठीक है। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा यूजेज डिटेल्स, आपको इस पर टैप करना है। आपको यहां से डिसेबल मोबाइल डेटा कर देना है, डिसेबल वाईफाई भी आप कर सकते हो, ठीक है। वाईफाई से अगर आप इंटरनेट यूज करते हो और आप चाहते हो कि इंटरनेट डेटा सेव हो तो आप यहां से डिसेबल वाईफाई भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप किसी भी एप्लीकेशन का इंटरनेट बंद कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप इन सेटिंग्स को करके अपने फोन में ट्रिक्स को यूज करके आप अपना इंटरनेट डेटा सेव कर सकते हो, लॉन्ग टाइम तक आप इंटरनेट को अपने फोन में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।